इलेक्शन अलायंस कर रहे हैं। समाजवादी के लोग, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हम फिरका परस्त ताकतों को रोकने के लिए, सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस और समाजवादी में अलायंस हो रहा है। मुझे जब ये बात सुनता हूं तो बड़ी हंसी आती, मुझे बड़ी हंसी आती। समाजवादी के बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने एक बड़ी कोशिश की कि पार्टी में इख्तलाफात पैदा ना हो, और अखबार में टीवी पर बयान दिया कि समाजवादी पार्टी में जो इख्तलाफ है हो रहा है, इससे हम मुसलमानों को बड़ा नुकसान होगा। हम पूछना चाहते हैं भाई साहब, आज इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट है, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर का कांड हुआ था, एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, और उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 55 केसेस में जो तमाम साथी थे उसमें हर मजहब के लोग थे, जिनको गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था, उनके खिलाफ चार्जशीट डालना है। फौजदारी 153 और 295 में हुकूमत को परमिशन देना पड़ता है, इजाजत देना पड़ता। हाय अखिलेश, तुम्हारा विकास, हाय अखिलेश, तुम्हारी मुस्लिम अकलियत से मोहब्बत। 3 साल से अखिलेश उनको परमिशन नहीं, 3 साल से जो लोग जेल में गए उनके ऊपर केस चलाना, मुकदमा चलाना, और जब मजलिस का कोई रुकन जाता है, जब मासूम लोग समाजवादी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो उनके ऊपर सब पे केस बुक कर दिया जाता है। मगर जो लोग 3 इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, अखिलेश 3 साल से बैठे हुए हैं, उस फाइल पर परमिशन नहीं देते, उस फाइल पर परमिशन नहीं देते। मीडिया के लोग हैं, हो सकता है कि कल अखबार में लिख दें या टीवी पर रात में 9 बजे चला दें कि ओवैसी ने एक और भड़काऊ भाषण दे दिया। मेरे भाई, मैं क्या करूं, मेरी जबान में कड़वाहट है, और इस जबान में कड़वाहट इसलिए पैदा हुई कि मैं नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं कर सकता।